Good morning, students. So today we will start a new chapter of your EVS book, first chapter, super senses. Okay, before starting this chapter, I want to ask some questions from you all. What do you mean by senses? Yes, senses kya hote hain? Yes, an ability to understand, recognize or react to something. किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, समझना और किसी चीज पर रिएक्ट करना, उसको जिस भी प्रोसेस के थ्रू हम रिएक्ट करते हैं या जिस भी वे के थ्रू हम रिएक्ट करते हैं, वो सेंसेस होते हैं. ठीक है, लाइक आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ इट. लाइक आपकी मदर जो है वो किचन में कुछ कुक कर रही है. ठीक है, आप रूम में बैठे हुए हो तो आपको कैसे पता लग रहा है कि कुछ टेस्टी या कुछ स्पाइसी मतलब बन रहा है? यस, बाय इट्स स्मेल. आप और वो स्मेल कहाँ से आती है, आपको कहाँ से पता लगता है? आपको थ्रू योर नोज. यस, आप स्मेल कैसे पता करते हो किसी भी चीज की? बाय योर नोज. यस, विद द हेल्प ऑफ योर नोज. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज आपकी मम्मा ने आपको एक गर्म दूध का ग्लास दिया है. ओके, योर मॉम गिव्स यू अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क. ओके, तो आपको कैसे पता लगेगा इट इज हॉट और इट इज कोल्ड एंड सो ऑन? यस, बाय टचिंग इट. यस, टच के थ्रू आप उसको पता लगाओगे. यस, टच इज अ मतलब लाइक यस, टच किस ऑर्गन से पता लगेगा आपको? स्किन से. आपकी स्किन पे कहीं पे भी आपको कुछ टच होता है तो आप उसको पता कर सकते हो कि यस इट इज हॉट, इट इज कोल्ड और कैसे कैसा उसका टच है. ठीक है, ओके. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन योर इन ग्राउंड. यस, आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम प्ले करते हो तो आपको कैसे पता लगता है कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है? या मतलब अगर बॉल आपके पास आ रही है तो आपको कैसे मतलब पता लगता है कि यस बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड सो ऑन? यस, थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर आईज. यस, आप देख सकते हो. यस, आप अपनी आईज की हेल्प मदद से उस चीज़ को देख सकते हो. यस, अनदर एग्जाम्पल सपोज योर समवन इज कॉलिंग यू. आपको कोई बुला रहा है, लाइक मैम कभी आपको आवाज़ देती है क्लासरूम में आप बैठे हुए हो. ठीक है, एंड मैम इज कॉलिंग यू, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि मैम इज कॉलिंग यू और समवन एल्स? यस, विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स आपको पता लगता है कि मैम जो है वो आपको बुला रही है. ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो या कोई भी फूड आइटम खा रहे हो. ठीक है, यू आर ईटिंग समथिंग, सो हाउ यू विल अंडरस्टैंड और हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट्स टेस्ट? आप उसका टेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे पता लगाते हो? हाउ विल यू फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ दैट फूड और दैट फ्रूट और समथिंग एल्स? यस, विद द हेल्प ऑफ योर टंग. यस, सो दीज आर ऑल द फाइव सेंसेस वी हैव. विद द हेल्प ऑफ वी रिकॉग्नाइज समथिंग, वी रिएक्ट ऑन समथिंग और वी अंडरस्टैंड समथिंग. ओके, व्हाट आर दीज? दीज आर नोज, स्किन, आई, ईयर एंड लास्ट वन इज टंग. ओके, ओके, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट इज सुपर सेंस? नाउ कम टू द चैप्टर, व्हाट इज सुपर सेंस? Yes, it means an animal or a person having a specially powerful sense. मतलब उसके पास एक मतलब special powerful होती power होगी sense की, like to react on something, special power. Yes, that we call a super sense. जैसे हम human beings के पास हमारे पास five senses होती हैं, ऐसे ही animals also have some senses to react on something. Like they can smell also, they can hear also, they can taste also. Okay, so like we animals also have some super senses. Okay, so let's start the chapter and understand what is in this chapter. Okay, in this chapter we will learn about different senses of the different animals and different persons. Okay, persons ka to humne aapko bataya hai ki we have five senses and we react by using this senses. So let's see animals ke paas kya senses hote hain. Okay, so open your book and the page number 1.
ओपन द पेज नंबर वन, चैप्टर नंबर वन, सुपर सेंसेस. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट स्टोरी. द स्टोरी नेम इज हैज दिस एवर हैपन टू यू. ओके, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी. As you okay, took away your roti means you were eating something in the playground, okay, and कुछ भी ground पे गिर जाता है और आप देखते हो कि eagle जो भी है या crow जो भी है वो फटाफट आता है एकदम से, and आपकी जो भी रोटी का टुकड़ा या जो भी food item ground पे गिरा हुआ होता है वो उसको फटाफट उठा के लेके चला जाता है. आपको भी नहीं दिखाई देता कि someone is something is laying on the ground और वो एकदम से आता है. तो it मतलब means eagle has a super sense of सीन, मतलब उसको देखने की एक सुपर सेंस है कि वो इतनी दूर का भी इतने अच्छे मतलब इतना छोटी चीज भी वो इतनी बारीकी सी देख लेता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स शॉट अप एट वंस. इट ईयर्स शॉट अप एट वंस मीन्स कि आप देखते हो कि कोई डॉग जो है वो सो रहा होता है और आप चाहते हो कि आप चुपचाप से साइड से निकल जाओ और उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, स्लीप जो है वो उसकी डिस्टर्ब ना हो, तो आप एकदम दबे हुए पैर से निकलने की कोशिश करते हो, बट उसके पास एक सुपर सेंस होती है टू हियर एंड टू स्मेल, कि वो स्मेल से भी पता लगा लेता है और सुन के भी पता लगा लेता है कि समवन इज गोइंग थ्रू, कि कोई वहां से जा रहा है. ठीक है, और जब आप देखते हो कि उसका जो ईयर होता है वो थोड़ा सा मूव करता है एंड मतलब उसकी थोड़ी सी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. अब आप देखते हो कि आप अगर कुछ गलती से भी या कुछ मीठा आप नीचे ज़मीन पर डाल दोगे, आप करके देखना ये एक्टिविटी. ओके, ज़मीन पर डाल दोगे सो विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन 10 to 15 मिनट्स जो एंट्स होती हैं, चीटियां जो होती हैं, वो उस मीठे के अराउंड मतलब साइड में या आसपास जो है वो मीठे के आ जाएगी. तो एंट्स ऑल्सो हैज़ अ सुपर सेंस ऑफ स्मेल. Yes, ant also have a super sense of smell. So here we saw three examples of different animals. Like first we see an example of eagle, next example is of dog, and the next example is of ants. Okay, first eagle has a super sense of seeing, देखने की. Dog has a super sense of hearing and smelling also. Okay, and ants has a super senses of smell. Okay, three different examples of three different animals. Okay, next come to the next heading. What does it happen? Think and tell. अब like we I have told you कि हमारी तरह ही animals के पास भी super senses होते हैं. ठीक है, they also have a super senses, but वो हम लोगों से different होते हैं थोड़े से. Okay, so animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see they prey from far away. Like eagle को आपने देखा था कि eagle जो है वो दूर से ही अपना जो भी उसका खाने का टुकड़ा होता है या जो भी होता है वो देख लेता है. ठीक है, some can hear even the faintest sound. Faintest sound means जो बहुत ही धीरे वाली साउंड होती है वो भी समझ जाते हैं. तो आपने डॉग का एग्जाम्पल जो लिया था कि आप दबे पैर भी अगर साइड से वहां से निकल रहे हो तो भी डॉग आपकी जो साउंड है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. ओके, और जब आपने एंट्स का एग्जाम्पल देखा तो एंट्स ऑल्सो हैव अ सुपर सेंस ऑफ स्मेल. द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस. सो हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगी और हम बुक चैप्टर में भी रीड आउट करेंगे कि एनिमल्स ऑल्सो हैव अ सुपर सेंसेस, अमेजिंग सेंसेस, मतलब उनके पास भी बहुत ही मतलब अमेजिंग सेंसेस होती है टू रिकॉग्नाइज और टू अंडरस्टैंड और टू रिएक्ट ऑन समथिंग. ओके, सो टर्न द पेज. Here we understand the super senses of. Okay, here is a heading. How did the ants recognize a friend?
तो इधर जो है ये एक स्टोरी है एंट्स की, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बेस पर है। तो हम इसको रिलेट करेंगे सुपर सेंस ऑफ स्मेल इन एंट्स। ओके, an ant was going along on the ground. It saw a ground of ants coming from sorry it saw a group of friend of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole, recognizing it and let it in. Okay, so again आपको यहाँ पे वही बात बताई गई है कि जो ants होते हैं उनके पास super sense होती है of smelling, और वो अपने friends को जो भी group के जो उनके ants होते हैं उनको उनकी smell के through recognize कर लेते हैं, and वो उनकी उनकी मतलब ants की smell से ये भी पता लगा लेते हैं कि कौन सा ant जो है वो उनके group का है and कौन सा ant जो है वो दूसरे group का है। okay, how did the ants know that the other ants were not from its group? So yes, this question is here. How did the ant know that the other ants were not from its group? कि ants को कैसे पता लगता है कि वो जो ant है वो उनके group का नहीं है? तो they recognize by their smell. तो वो स्मेल से पता लगा लेते हैं कि जो पर्टिकुलर एंट है वो उनके ग्रुप का नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय देयर स्मेल। ओके, सो हियर इट इज एन एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर होम। ड्रॉप सम शुगर, जगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। ओके, और आपको ये फिल करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल करना है। अभी मैं आपको इनके आंसर्स फिर भी बता दूंगी, बट आपको फिर भी ऑब्जर्व करके अपना टाइम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, कि आपको कुछ भी मीठा, शुगर, चीनी या गुड़ या कुछ भी मीठा जो है वो आपको ग्राउंड पर डालना है, और आपको देखना है कि कितने टाइम मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने टाइम बाद जो है वो एंट्स जो है वो वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। ओके, सो 15 to 20 minutes लगते हैं एंट्स को वहां तक आने में। डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। तो आपको देखना है कि पहले एक एंट आता है या ग्रुप ऑफ एंट आते हैं वहां पे, कि पूरा ग्रुप आता है या सिर्फ एक एंट का आता है, देन फिर थोड़े थोड़े करके एंट्स आते हैं। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। एंट्स क्या करते हैं फूड के साथ, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि एंट्स जो है उस फूड को क्या करते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत बार, बट यू हैव टू ऑब्जर्व अगेन। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो कहाँ जाते हैं फिर, वो कहाँ लेके जाते हैं जो भी खाना होता है, सो द खाना होता है उसको कहाँ लेके जाते हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में मूव करते हैं या सेपरेटली दे गो एनी वेयर वेयर दे वॉन्ट टू गो। ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज क्वेश्चंस बाय दिस एक्टिविटी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब क्या करना है आपको कि उनको हार्म नहीं करना है, आपको उनको कुछ भी चोट नहीं पहुंचानी है या उनको कुछ भी टच नहीं करना है आपको, बट यू हैव टू ब्लॉक देयर पाथ। जहाँ से वो जा रहे हैं आपको वो पाथ जो है वो ब्लॉक कर देना है, बाय पुटिंग योर हैंड, बाय पुटिंग पेंसिल, बाय पुटिंग समथिंग एनीथिंग, बाय पुटिंग एनीथिंग यू हैव टू ब्लॉक द पाथ ऑफ एंट्स। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि एंट्स जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं। आर दे मूविंग इन अ लाइन, आर दे मूविंग हेयर एंड देयर, what they are doing. Okay, you have to observe. Many years ago a scientist did many experiments like this. He found out
that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Okay, so बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, जैसी एक्टिविटी आपको मैंने दी है करने के लिए वैसी ही एक्टिविटी जो है वो साइंटिस्ट ने करी है. और व्हाट दे फाउंड कि जो एंट्स हैं वो जब चलते हैं तो वो एक स्मेल छोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है, और जो अदर एंट्स होते हैं वो उसी स्मेल के थ्रू उनको फॉलो करते हैं ताकि कोई भी एंट जो है वो इधर उधर ना जाए, उनके ग्रुप का जो भी कोई भी एंट है वो इधर उधर ना जाए, और वो उसी स्मेल के थ्रू जो है वो उस एंट को, मतलब जो भी उनका लीडर होता है, ग्रुप होता है, गार्ड एंट जो होता है वो उसको उनको फॉलो करती है. नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक द पाथ. अब आपको ऑब्जर्व करना है, गेस करना है कि जब आप उनका पाथ जो है वो ब्लॉक कर देते हैं तो एंट्स जो है वो दे स्टार्ट मूविंग इन देयर इन द लाइन, वो लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो व्हाई, मतलब वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं. ओके, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल इंसेक्ट्स, फीमेल एंट्स बाय देयर स्मेल. ओके, सो हेयर इट इज दैट कि जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, मेल एंट्स जो होते हैं वो फीमेल एंट्स को, फीमेल इंसेक्ट्स को कैसे पता कर लगाते हैं, उनकी स्मेल के थ्रू, ठीक है. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू, वेयर यू आर. सो आपने देखा होगा कि कभी आप रूम में बैठे हो या फिर कहीं पे भी बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, तो मॉस्किटोज जो है वो आपको, आपके पास आके, मतलब यू दे स्टार्ट बाइटिंग यू एंड दे स्टार्ट मेकिंग देयर नॉइज, ठीक है. सो हाउ दे विल फाइंड यू, यस यस, बाय देयर स्मेल. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. आपकी जो बॉडी की फ्रेग्रेंस होती है या जो स्मेल होती है उसकी हेल्प से मॉस्किटोज जो है वो आपको ढूंढ लेते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी. वो जो मॉस्किटोज जो होते हैं वो आपकी जो पैर, सोल, पैरों की जो नीचे तलवा होता है उसकी स्मेल से भी आपको ढूंढ लेते हैं, एंड आपकी जो बॉडी की हीट होती है उसकी हेल्प से भी आपको ढूंढ लेते हैं, ठीक है. अब देखो, हेयर वॉट इज इट रिटन, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो भी अपनी फीमेल वॉर्म को कैसे ढूंढ लेते हैं, जो बहुत दूर, मतलब फार अवे, बहुत दूर होते हैं, उनको भी वो उसकी स्मेल से जो है वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है. ओके, सेम हैपन विद डॉग्स. ओके, सेम थिंग्स हैपन विद डॉग्स. हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल. आपने देखा है कि कभी कभी डॉग जो है वो सूंघते हुए चलते हैं इधर उधर, देखा है, हैव यू ऑब्जर्व दिस. हाँ, सो व्हाई दे आर डूइंग दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं. यस, बिकॉज डॉग जो होते हैं कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जो है वो पी करते हुए, यानी कि बाथरूम वॉशरूम करते हुए, सुसु करते हुए जाते हैं, ठीक है. तो वो अपने उस वॉशरूम, बाथरूम के स्मेल से जो है वो अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, ठीक है. आपने देखा होगा कि हर डॉग का एक एरिया होता है, ठीक है, वो एक, मतलब जगह पर ही रहता है, ठीक है. अगर वो उस जगह से बाहर जाता है दे स्टार्ट डूइंग पिंग. ओके, वो वॉशरूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बाथरूम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब उन्हें वापस आना होता है तो वो उसी बाथरूम की स्मेल से अपने रास्ते को ढूंढते हुए अपने प्लेस पर वापस आ जाते हैं, ठीक है. डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी, ठीक है. पॉटी और यूरिन के थ्रू से वो अपने एरिया को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. ओके, नाउ आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट
वीडियो में कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं और देयर आर थ्री क्वेश्चंस फॉर यू विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सेंस, सेकेंड क्वेश्चन इज नेम फाइव टाइप ऑफ सेंसेस एंड देयर ऑर्गन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सुपर सेंस। ओके, यू हैव टू, आई विल सेंड यू द फोटोग्राफ ऑफ दिस पेज एंड यू हैव टू डू दीज थ्री क्वेश्चन इन योर ईवीएस नोटबुक। ओके, एंड हेयर इज अ वन एक्टिविटी फॉर यू, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फाइव सेंस ऑर्गन्स। आपको जो यहाँ पे मैंने सेंस ऑर्गन्स लिखवाए हैं फाइव, आईज, टंग, नोज, ईयर्स, स्किन, आपको इनकी पिक्चर्स जो है वो अपनी एक्टिविटी फाइल में ड्रॉ करनी है। ओके, एंड यू हैव टू कलर देम, उनको कलर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।